सिर उड़ाने की बात करें तो भाई अभी तक आपने देखा कि तेजो और फतेह के बीच में लड़ाई तो हो ही रही थी, गलत फहमियाँ तो दोनों के बीच में आ चुकी हैं। यहाँ पर फतेह तेजो से माफ़ी मांगना चाहता था, उससे मिलने वो खुशवीर सिंह अपने पापा के साथ गया क्योंकि पापा खुशवीर सिंह जो है वो तेजो से माफ़ी मांगना चाहते थे। यहाँ पर फतेह भी माफ़ी मांगना चाहता था, इसलिए वो पहुँचता है जहाँ पर खुशवीर सिंह ने तेजो को बुलाया था। तेजो अंदर रेस्टोरेंट में बैठी होती है, अंगद आ जाता है और अंगद से वो बात करने लगती है, जहाँ वो ये बात कह देती है कि उसने मेरी बेइज्जती की है, मेरे प्यार की बेइज्जती की है, मेरे प्यार पर शक किया है, इसलिए जब बात आत्मसम्मान की होगी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी और मैं फतेह को माफ़ नहीं करूंगी। फतेह ये सुनता है, बाहर जाता है और जो आइसक्रीम हाथ में लिए रहता है उसे फेंक देता है। अब दोनों अड़ चुके हैं। अब यहाँ पर खुशवीर सिंह को पार्टी ऑफिस बुलाया गया है जहाँ उन्हें फिर से पर्चा भरना है, फिर से फॉर्म भरना है, सब उनका बहुत वेलकम कर रहे हैं। तो इधर रूपी सिंह भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं और रूपी सिंह का भी वेलकम किया जा रहा है। इधर खुशवीर सिंह के साथ फतेह खड़ा है तो उधर रूपी सिंह के साथ तेजो, क्योंकि रूपी सिंह ने तेजो से ये बात कही है कि तुम किसका साथ दोगी, खून का साथ दोगी या फिर जो रिश्ते अभी बने हैं उनका साथ दोगी। यहाँ पर तेजो अपने फादर का साथ दे रही है। देखना अब दिलचस्प होता है कि इस चुनाव के सीक्वेंस में कौन से नए नए मोड़ देखने को मिलेंगे।